सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 6 पाइपलाइन एंड वेक्टर प्रोसेसिंग। सो उसमें आज हम टॉपिक्स देखेंगे फ्लाइंस टैक्सोनॉमी, फिर पैरेलल प्रोसेसिंग अबाउट पाइपलाइनिंग, एरिथमेटिक पाइपलाइन, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, वेक्टर प्रोसेसिंग एंड एरे प्रोसेसर्स। सो पैरेलल प्रोसेसिंग का हम समझे तो अगर हमको कंप्यूटर में हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो हाई परफॉर्मेंस की डिमांड अगर हमको फुलफिल करनी है, ठीक है, एंड हमको अच्छा थ्रूपुट चाहिए, ठीक है, सो इंस्ट्रक्शंस को क्या करना पड़ेगा, एक साथ सिक्वेंशियल मैनर में हमको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। डेटा को एक साथ प्रोसेस करने के लिए जो मेथड है वो कौन सी है, पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है। सो ये पैरेललिज्म है, जो पैरेलल प्रोसेसिंग वो अचीव करने की के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक है मल्टी फंक्शनल यूनिट, राइट, मीन्स सिस्टम में दो या फिर दो से ज़्यादा एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होने चाहिए, सो वो दो से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को सेम टाइम पे एग्जीक्यूट कर सके। और दूसरा तरीका ये है कि मल्टीपल प्रोसेसर्स, सो सिस्टम में दो या फिर दो से ज़्यादा प्रोसेसर्स होने चाहिए जो एक साथ ऑपरेट हो। सो हमको पता है कि पहला हमने देखा, ठीक है, मल्टीपल फंक्शनल यूनिट, उसमें सिर्फ एक ही एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता था सीपीयू में। सो एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एक फंक्शन जो है उसको एक फंक्शन पे एक ही टाइम पे वो काम कर सकता है, राइट, सो वो पूरी प्रोसेस स्लो हो जाती थी। सो अब प्रोसेसर्स है उसमें जो मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स अवेलेबल है जो ALU के फंक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं, अलग अलग करते हैं या फिर एक साथ करते हैं, सो ये एक साथ जो एग्जीक्यूशन होता है इंस्ट्रक्शन का वो प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ा देता है। सो अब देखते हैं हम फ्लाइंस क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो जो पैरेलल प्रोसेसिंग है उसको भी, उसकी भी कैटेगरीज हो सकती है, उसको भी कैटेगराइज किया जा सकता है, उसके भी डिफरेंट तरीके हैं, राइट। सो एक क्लासिफिकेशन दी है MJ फ्लाइन ने, राइट। हमें पता है कि टिपिकल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, मींस प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन पहले फेच किए जाते हैं, मींस मेन मेमोरी में से ऑपरेंड को फेच किया जाता है, फिर वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है एंड रिजल्ट जो होता है वो फिर मेन मेमोरी में स्टोर होता है। सो फ्लाइंग क्लासिफिकेशन जो है, राइट, सो इट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमल्टेनियस इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा स्ट्रीम्स सीन बाय द प्रोसेसर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब नॉर्मल कंप्यूटर ऑपरेशन ऑफ अ नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर इज टू फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी एंड एग्जीक्यूट देम इन अ प्रोसेसर, राइट। सो फ्लाइंस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम। इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मीन्स सिक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस रीड फ्रॉम मेमोरी, मीन्स जिस सीक्वेंस में हम मेमोरी में से इंस्ट्रक्शन रीड करते हैं कंटिन्यूस, जैसे हम रीड करते जाते हैं इंस्ट्रक्शन को, उसको क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीमिंग कहते हैं। एंड डेटा स्ट्रीम, ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन द डेटा इन द प्रोसेसर, मीन्स जो ऑपरेशंस हम डेटा के ऊपर परफॉर्म करेंगे सीक्वेंस में उसको डेटा स्ट्रीमिंग कहते हैं, राइट। सो फ्लाइंस टैक्सोनॉमी है उसमें उसने क्या किया, कंप्यूटर को चार मेजर ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक है SISD, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम सिंगल डेटा स्ट्रीम, SIMD, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम्स सिंगल डेटा स्ट्रीम, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम्स मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स। सो पहले देखते हैं SISD, राइट, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम सिंगल डेटा स्ट्रीम। तो जो पुराने जो मशीन्स होते थे, ठीक है, जिसमें एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता था, उसमें सिंगल एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है वो यूज़ होता है, एक ही ALU यूज़ होता है। सो ये सिस्टम सिंगल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कैपेबल है, राइट। सो SISD कंप्यूटर्स इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करते हैं, मीन्स वन बाय वन एग्जीक्यूट करते हैं, सो वो ओवरलैप भी हो सकते हैं एग्जीक्यूशन के दौरान, मीन्स
एक डेटा के ऊपर दूसरा डेटा भी जा सकता है. सो SISD सिंगल सिस्टम जो है वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कैपेबल है. सो इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली एंड द सिस्टम मे और मे नॉट हैव इंटरनल पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज इन SISD. SIMD का देखें सो इट रिप्रेजेंट्स एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इंक्लूड्स मैनी प्रोसेसिंग यूनिट्स अंडर द सुपरविजन ऑफ कॉमन कंट्रोल यूनिट एंड ऑल प्रोसेसर्स रिसीव द सेम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट बट ऑपरेट ऑन डिफरेंट आइटम्स ऑफ डेटा. सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल डेटा स्ट्रीम राइट. सो ये मल्टी प्रोसेसर मशीन है. इसको एक मल्टी प्रोसेसर मशीन भी कहा जा सकता है. मतलब कि ये सब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे सेम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कैपेबल है. सो इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं एरे प्रोसेसर. एरे प्रोसेसर जो लार्ज एरे होते हैं ठीक है, लार्ज अमाउंट में डेटा होता है उसके ऊपर कंप्यूटेशन करते हैं राइट. सो इसमें मल्टीपल प्रोसेसिंग एंड एग्जीक्यूशन यूनिट्स होते हैं एंड एक कंट्रोल यूनिट भी होता है. सो सभी प्रोसेसिंग एलिमेंट सेम इंस्ट्रक्शन रिसीव करते हैं कंट्रोल यूनिट में से बट डिफरेंट डेटा सेट्स करते हैं. उस जो डिफरेंट डेटा सेट्स होते हैं उस पर वो ऑपरेशंस करते हैं. मतलब कि डेटा अलग अलग होगा बट सेम इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा उस पर राइट. नाउ MISD मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम सिंगल डेटा स्ट्रीम मीन्स देर इज़ नो कंप्यूटर एट प्रेजेंट दैट कैन बी क्लासिफाइड एज MISD. MISD structure is only of theoretical interest since no practical system has been constructed using this organization. MISD में बहुत सारे प्रोसेसर यूनिट हो गए जो प्रोसेस करेंगे किसके ऊपर, डेटा के ऊपर राइट. सो हर एक यूनिट अलग अलग इंस्ट्रक्शंस रिसीव करता है सेम डेटा स्ट्रीम को ऑपरेट करने के लिए. सो एक प्रोसेसर में से जो रिजल्ट आएगा वो नेक्स्ट प्रोसेसर का इनपुट होगा. मीन्स पाइपलाइन में होता है हर एक सेगमेंट काम करता है पैरेलली ठीक है. तो एक का आउटपुट होगा दूसरे का वो इनपुट होगा. सो ये भी अलग अलग इंस्ट्रक्शन को डिफरेंट प्रोसेसिंग यूनिट में एक साथ एग्जीक्यूट करता है सेम डेटा सेट के ऊपर. वो क्या करता है सेम डेटा सेट के ऊपर वो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है. मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा MIMD. सो This organization refers to a computer system capable of processing several programs at the same time. Most multiprocessor and multi-computer systems can be classified in this category. So it contains multiple processing units and execution of multiple instructions on multiple data. बहुत सारी microprocessor system and computers इस categories में आते हैं. सो इसमें क्या होता है एक से ज़्यादा प्रोसेसर यूनिट होते हैं जो एक साथ एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं. तो ये कंप्यूटर बहुत सारे प्रोसेसर के बीच में इंटरेक्शन करवाता है राइट. सो हम एक कॉन्सेप्ट पैरेलल प्रोसेसिंग का देख लेते हैं कि पैरेलल प्रोसेसिंग इज अ टर्म यूज्ड टू डिनोट अ लार्ज क्लास ऑफ टेक्निक्स that are used to provide simultaneous data processing task for the purpose of increasing the computational speed of a computer system. So purpose of parallel processing is to speed up the computer processing capability and increase its throughput. Parallel processing ka hum simple meaning dekhe to bahut sari processing units ek saath kaam karte hain. सभी प्रोसेसेस सिम्यूटेनियसली वर्क करते हैं एक साथ. सो इससे क्या होगा कि ये सिस्टम की जो कंप्यूटेशनल स्पीड है वो बढ़ाएगा क्योंकि टास्क है, टास्क मीन्स वर्क, वो डिवाइड हो गया है राइट. सो सभी यूनिट्स वो टास्क पे काम करेंगे तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा. सो पैरेलल प्रोसेसिंग का मेन पर्पस है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बढ़ाना एंड साथ साथ थ्रूपुट भी बढ़ेगा. थ्रूपुट मतलब जो डेटा है वो कितने अमाउंट में कितने टाइम पे ट्रांसफ़र हुआ. सो यहाँ पे हम थ्रूपुट देखें सो दिए गए टाइम पे कितने डेटा पे प्रोसेसिंग हुआ, द अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग दैट कैन बी एकम्प्लिश ड्यूरिंग गिवन इंटरवल ऑफ टाइम राइट. सो यहाँ पे हर एक सब टास्क पे इंडिपेंडेंटली वर्क होगा.
जो भी काम होगा वो डिवाइड हो जाएगा, मीन्स टास्क डिवाइड हो जाएगा, तो बन क्या जाएगा, सब टास्क बन जाएंगे। सो हर एक सेगमेंट पे जो भी रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, नेक्स्ट सेगमेंट को ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, पाइपलाइनिंग का हम कॉन्सेप्ट देखें। सो To improve the performance of a CPU, we have two options. कौन से ऑप्शन हैं हमारे पास? एक है टू इम्प्रूव द हार्डवेयर बाई इंट्रोड्यूसिंग फास्टर सर्किट्स, एंड सेकेंड वन इज अरेंज द हार्डवेयर सच दैट मोर देन वन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म एट सेम टाइम। CPU का परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए ये दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, सो पहला क्या है कि हम एक ऐसा हार्डवेयर बनाएं जिसमें सर्किट्स जो हो वो फास्ट काम करे, स्पीड में काम करें, और दूसरा है ये कि हम कोई ऐसा हार्डवेयर का अरेंजमेंट करें कि एक से ज़्यादा ऑपरेशंस सेम टाइम पे परफॉर्म हो सके। सो हार्डवेयर में स्पीड की भी कोई लिमिटेशन होती है, राइट? और वो जो सर्किट स्पीड में काम करे, ठीक है, वो ऐसे सर्किट्स कॉस्टली भी ज़्यादा होती है। सो हमारे पास कौन सा एक ऑप्शन है लास्ट वाला, ये अरेंज द हार्डवेयर सच दैट मोर देन वन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म एट सेम टाइम। सो पाइपलाइनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सीपीयू में हार्डवेयर एलिमेंट्स हो गए, मतलब सर्किट्स, रजिस्टर्स वगैरह होगा, उसका ऐसा एक अरेंजमेंट होगा कि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होगा वो इंक्रीज हो। सो पाइपलाइन प्रोसेसर में एक साथ एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूट होता है। सो हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि सपोज़ वाटर बॉटल होती है, उसके जो सप्लायर्स होते हैं, ठीक है, सो उनका एक सपोज़ एक पैकेजिंग प्लांट है, मीन्स एक फैक्ट्री है जहाँ पे पानी की बॉटल्स वो पैक करते हैं। सो सपोज़ ये पैकेजिंग का काम तीन स्टेज में होगा। पहले क्या होगा, बॉटल इंसर्ट की जाएगी, ठीक है, देन उसमें क्या होगा, पानी भरा जाएगा, फिर वो बॉटल सील की जाएगी। सो उसको हम क्या कहेंगे, स्टेज वन, स्टेज टू एंड स्टेज थ्री, हम उसको ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, तीन स्टेज मान लेते हैं। सो हर एक स्टेज को कंप्लीट होने में सपोज़ एक मिनट लगेगा, ठीक है। अब हम ये नॉन पाइपलाइंड आर्किटेक्चर ऑपरेशन देख रहे हैं, ठीक है। सो नॉन पाइपलाइंड अगर ऑपरेशन होगा तो उसमें क्या होगा, पहले क्या होगा, बोटल प्लांट वन में जो स्टेज वन है उसमें इंसर्ट की जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक मिनट के बाद वो कहाँ पे जाएगी, स्टेज टू में मूव करेगी, राइट। देन स्टेज टू में क्या होगा, पानी भरा जाएगा। देन अब क्या होगा, पानी भरने का काम चल रहा होगा, अब थर्ड स्टेज में वो जाएगी और वो पैक होगी सप्लाई करने के लिए। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहला ये स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज। अब ये जब एक बोतल पूरी पैक हो जाएगी, उसके बाद फिर से नई बोतल आएगी, स्टेज टू, ये स्टेज टू है, ये स्टेज थ्री है। सो यहाँ पे अभी बोतल भरी, बोतल इंसर्ट होगी, पानी भरा जाएगा, फिर पैक होगी। सो ये टोटल हर एक टास्क एक मिनट लेता है, राइट। तो टोटल कितने मिनट्स हुई, 9 मिनट्स, राइट। अब पाइपलाइनिंग के साथ देखें, ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, जब ये क्या है, इंसर्टिंग द बोतल, जब ये बोतल इंसर्ट होगी उसके बाद क्या होगा, उसमें पानी भरा जाएगा। सो ये स्टेज वन का काम है, स्टेज वन में क्या होगा, तीसरा स्टेज में सीलिंग द बोतल। अब फिर से दूसरी बोतल आएगी, कब, जब यहाँ पे पानी भरने की प्रोसेस चल रही होगी, तब स्टेज टू में ऑटोमेटिकली बोतल इंसर्ट हो जाएगी, पानी भरा जाएगा, बोतल सील होगी। उसके साथ ही यहाँ पे सेम, जब ये प्रोसेस स्टेज टू में चल रही होगी, तब फिर से यहाँ पे बोतल इंसर्ट होगी, उसमें पानी भरा जाएगा। सो हार्डली ये क्या 5 मिनट लेगा, राइट। सो ये नॉन पाइपलाइन ऑपरेशन के हिसाब से पाइपलाइनिंग में ये कम टाइम लेगा, ठीक है। सो पाइपलाइन प्रोसेसर में पाइपलाइन के दो एंड होंगे, ठीक है, इनपुट एंड एंड आउटपुट एंड, ये हमने डेफिनेशन देख ली है, ठीक है। सो
इनपुट एंड होगा, आउटपुट एंड होगा, एंड बहुत सारे स्टेज होंगे या फिर सेगमेंट्स होंगे। मींस एक स्टेज का आउटपुट दूसरे दूसरा जो स्टेज होगा उसके इनपुट से जुड़ा होगा। सो हर एक स्टेज अपना कोई स्पेसिफिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होगा। स्टेज मींस सेगमेंट, ठीक है। सो हर एक सेगमेंट मींस, सेगमेंट क्या होता है, पोर्शन ऑफ द पाइपलाइन सिस्टम, एक पोर्शन है, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स है एक टास्क के। सो जो कोई ओरिजिन पॉइंट से रन हो रहा होता है, ठीक है, लाइक एक पॉइंट से इनपुट होगा, दूसरे पॉइंट से आउटपुट होगा, और वो दूसरे स्टेज का इनपुट होगा, राइट। सो ये जो दो स्टेजेस हो गए मीन्स पाइपलाइन, उनके बीच में एक इंटरफेस रजिस्टर होगा जो दोनों स्टेज के बीच का आउटपुट होल्ड करके रखेगा, राइट। सो ये जो दो स्टेजेस के बीच का आउटपुट होल्ड किया है रजिस्टर ने, मीन्स एक स्टेज में इनपुट आया, देन दूसरे एंड में से आउटपुट निकला, जो भी आउटपुट निकला, तो ये क्या करेगा, ये दोनों स्टेज के बीच का जो भी रिजल्ट होगा इनपुट या आउटपुट, वो ये रजिस्टर होल्ड करके रखेगा, फिर वो नेक्स्ट सेगमेंट को पास करेगा। तो ये रजिस्टर्स हर एक सेगमेंट को आइसोलेट करते हैं, मीन्स अलग अलग रखते हैं, ताकि कोई सेगमेंट दूसरे सेगमेंट में इंटरफेस ना करे, राइट। सो द टेक्निक इज इफिशियंट फॉर दोज एप्लीकेशंस दैट नीड टू रिपीट द सेम टास्क मैनी टाइम्स विद द डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा। मीन्स डेटा अलग अलग होगा बट ऑपरेशन सेम ही परफॉर्म करना है, तो ये टेक्निक ऐसी एप्लीकेशंस के लिए यूजफुल है। तो हम ये अभी, दिस इज अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फोर सेगमेंट पाइपलाइन, राइट। यहाँ पे क्या होगा, एक क्लॉक दी गई है हर एक रजिस्टर को, मीन्स यहाँ पे ये चारों सेगमेंट है S1, S2, S3 एंड S4, उनके बीच में ये एक इंटरमीडिएट रजिस्टर है, जैसे मैंने बताया R1, R2, R3 एंड R4। सो ये कब काम करेगा, हर एक क्लॉक सिग्नल पे काम करेगा। जैसे इनपुट आएगा सेगमेंट में, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, यहाँ पे इनपुट आएगा, मीन्स इसका आउटपुट ये सेगमेंट 2 का इनपुट होगा, राइट। सो इसमें ऑपरेंड्स जो है ये चारों सेगमेंट में से पास होंगे, जो भी ऑपरेंड होंगे इंस्ट्रक्शन होगा उसके अंदर क्या होंगे, ऑपरेंड होंगे, मीन्स डेटा होगा, वो ये चारों सेगमेंट में से पास होगा और एक फिक्स्ड सीक्वेंस में पास होंगे, राइट, ये चारों ऑपरेंड्स जो भी होंगे वो। सो हर एक सेगमेंट की एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होगी, ठीक है, जो है एस, ये पूरी हम एक एस सर्किट है जिसमें सेगमेंट्स एंड रजिस्टर का कनेक्शन है। सो जैसे जैसे डेटा आएगा, मीन्स वो डेटा स्ट्रीम के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करता जाएगा, जो भी डेटा आएगा डेटा का स्ट्रीमिंग होगा उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म होता जाएगा, ठीक है। सो ये एक पूरी पाइपलाइन है। सो ये सेगमेंट्स के बीच में रजिस्टर जो है आर, ठीक है, वो सेगमेंट्स को सेपरेट रखेंगे, अलग रखेंगे, एंड रजिस्टर्स जो सेगमेंट के बीच का रजिस्टर जो हो, मीन्स ये रजिस्टर क्या करेंगे, जो सेगमेंट्स है उनके बीच का जो डेटा होगा वो होल्ड करके रखेगा। सो ये चारों स्टेज के बीच में जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है, मीन्स डेटा जो चारों स्टेज के बीच में घूम रहा है, उसका कंट्रोल किसके हाथ में होगा, ये क्लॉक के हाथ में, ठीक है। सो ये कॉमन क्लॉक है चारों स्टेज के लिए। सो टास्क को कैसे डिफाइन करेंगे, तो पाइप, ये जो टास्क चल रहा है उसको हम डिफाइन करें, तो पाइपलाइन में जो सभी सेगमेंट्स है उसमें कितने अमाउंट में जो ऑपरेशन परफॉर्म हुए उसके हिसाब से ये टास्क डिवाइड होते हैं।